प्रथम तहलका न्यूज और डेराबसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, डेराबसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां डेराबसी में फैक्ट्री से 27,600 लीटर अल्कोहल बरामद की गई है। आपको बता दें कि मामले में 3 फैक्ट्रियों के 4 मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो डेराबसी से आ रही है, जहाँ फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान 27,600 लीटर अल्कोहल बरामद हुई है और मामले में 3 फैक्ट्रियों के 4 मालिकों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब एक्साइज और तरन तारण SIT ने ये छापेमारी की है और बरामद अल्कोहल की टेस्टिंग कर रही है फोरेंसिक टीम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो डेराबसी से आ रही है, जहाँ फैक्ट्री से 27,600 लीटर अल्कोहल बरामद हुई है और आपको बता दें कि मामले में 3 फैक्ट्रियों के 4 मालिक को गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब एक्साइज के ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और पंजाब एक्साइज ने ये संयुक्त ऑपरेशन किया था और मुबारकपुर इंडस्ट्री फोकल पॉइंट में ये छापेमारी की गई थी, जहाँ से 3 फैक्ट्रियों से 27,600 लीटर मिथाइल और इथाइल अल्कोहल जो है वो बरामद की गई है। आपको बता दें कि तरन तारण जहरीली शराब कांड के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी जो है वो खेप पकड़ी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो डेराबसी से आ रही है, जहां फैक्ट्री से 27,600 लीटर अल्कोहल बरामद हुई है और वही मामले में 3 फैक्ट्रियों के 4 मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो डेराबसी से आ रही है। एक केपी सिंह और मिस्टर AK चौधरी है एलिकेंटो जी, जी डायरेक्टर्स ने गौरव चौधरी एक फर्म हो रही है जी, ओम सलवी करके अच्छी चल रही है। वो केड़े नंबर जे हां केड़े नंबर चल रही है D11 F28 और इथे तीन ठावां ते ये किन्ना है ई E68 है जी, ठीक है। और एक फर्म जड़ी प्योर सॉल्यूशन सीगी ओदे प्रोप्राइटर जगमोहन अरोड़ा, पहले 4 बंदे अरेस्ट होए ने, उनां दी तफ्तीश चल रही है। आज साडे नाल फोरेंसिक लैबोरेटरी वाले भी इथे पहुंचे हुए ने, दे आर आल्सो डूइंग देयर टेस्ट। ये है की है टेस्ट किथे कराए इनां दे, टेस्ट फोरेंसिक लैबोरेटरी दे विच चल रही है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ SIT ਤੋਂ DSP ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। SIT ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ATC ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਜੀ? ਨਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਜੀ, ਆਮ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਲਿਕ ਪਲੱਸ 2 ਨੌਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ? एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब दी टीमा ने कल एक बहुत वड्डी कार्रवाई करते हुए मोहाली जिले दे विच डेराबसी इलाके दे विच रेड्स कीतियां ने। ये रेड कैमिकल फैक्ट्रीज़ अते कैमिकल गोडाउन दे उत्ते कीती गई है। सानू इनफॉर्मेशन सीगी कि कुछ कैमिकल फैक्ट्रीज़ इलीगल तौर ते कैमिकल प्रोसैस करके एक सस्पैक्टेड एलकोहल वाला कैमिकल जिहड़ा हैगा वह बना रही ने। उस लीड्स नू परस्यू करते हुए असी कल रेड की थी। सब तो पहले असी मैसर्स एलीकेम नाम दी फर्म दे उत्ते रेड की थी। उत्थों सानू काफ़ी कागजात, काफ़ी मटीरियल बरामद होया। उन्होंने लीड नू परस्यू करते हुए असी कल 2 होर फर्मा मैसर्स ओम सोलवी ट्रेडिंग कंपनी अते मैसर्स प्योर सोल्यूशनस दे उत्ते रेड की थी। ये 3 ही फर्म डेराबसी इलाके दे विच हैगी हैं।
इन्हां दी तफतीश के दौरान सानू काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच सस्पेक्टेड कैमिकल विद एलकोहल रिकवर होया है। टोटल सानू 136 ड्रम तकरीबन हर ड्रम दे विच तकरीबन 200 लीटर ईच हैगा 27,000 लीटर दे लागे छागे जो टोटल कैमिकल सस्पेक्टेड है वह असी बरामद किया हैगा। ये जिहड़ा छोकड़ हैगा इस तफतीश का मिड जुलाई दे विच 20 जुलाई के नज़दीक सानू एक्साइज डिपार्टमेंट दे एक इनफॉर्मर राही ये सूचना प्राप्त हुई सी कि कोई इलीगल ट्रेडर इलीगली इत्थे कैमिकल जिहड़ा हैगा वह सप्लाई कर रहा है। असी उस लीड नू फॉलो किया, तफतीश की गई तो 23 जुलाई 2020 नू असी रेड की मैसर्स बिनी कैमिकल्स के प्रमिसिस तो सानू तकरीबन 5,500 लीटर के करीब एक कैमिकल सस्पेक्टेड कैमिकल विल एलकोहल प्राप्त होया, जिस तफतीश नू अगे वधांदे हुए असी अज कल दी यह कार्रवाई की हैगी है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पुलिस डिपार्टमेंट के नाल जॉइंटली हुण यह कार्रवाई कर रही ने। पुलिस डिपार्टमेंट की टीम ने भी सानू जॉइन कर लिया, तरन तारण पुलिस, अमृतसर पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, असी सारे रेगूलर तौर पर इंटैलीजेंस शेयर कर रहे हैं। हर जिले के फील्ड लैवल के उत्ते सांझी कार्रवाइयां अमल में लियाईयां जा रही ने, उसी लड़ी के असी यह कार्रवाई अगे की हैगी है। डिटेल तफतीश इसकी जारी है, कोई भी चांस ना लेंदे हुए असी कैमिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी तो भी उन्हां दी भी मदद लै रहे हैं, उन्हां दी टीमां भी मौके दे उत्ते कार्रवाई कर रही ने, सानू असिस्ट कर रही ने। साडी कोशिश है कि एक डिटेल दे विच इनडैप्थ जाके एक फुल प्रूफ केस बना के ऑनरेबल कोर्ट दे विच इहनूं पेश किया जाए ताकि जो भी ये नवा मॉडस ऑपरेंड आए फ्रॉम कैमिकल्स ये निकल के आ रहा है इसनूं डिटेल अपने अंजाम तक पहुँचाया जा सके। डिटेल तफतीश असी जारी रखेंगे पुलिस के नाल होर महकमे नाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाल, साड़ी कार्रवाई जिहड़ी है वो रेगुलर तौर पर जारी रहेगी।